हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपके भी घर में ऐसे ही पकौड़े बनके तैयार होंगे। तो चलिए हम फटाफट ये पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। आलू का पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिया है 3 आलू, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज। तो सबसे पहले हम कच्चा मसाला को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और इसे हम बहुत बढ़िया से पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक बोल लेंगे और इसमें पेस्ट को ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाकी के पेस्ट भी उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी बेसन यानी कि चने का आटा। साथ में हम डालेंगे 1/4 कटोरी कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं, ये पकौड़े को काफी क्रिस्पी बनाता है। साथ में हम इसमें कुछ सूखे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे यानी कि कोरिएंडर पाउडर। हमने हरी मिर्च डाल रखा है तो इसके लिए हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कलर आने के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। बेसन है तो हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हथेली पे मीस के डालते हैं और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल लेंगे यानी कि 1/4 चम्मच या 2 चुटकी आप कहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से फेंटेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ता है, बढ़िया सा एक बेटर तैयार होता है पकौड़े का। तो आप देख सकते हैं हमने पकौड़े के घोल को अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। सभी पकौड़े का घोल इसी तरीके से बनता है यानी कि इतनी ही गाढ़ी अपनी घोल होनी चाहिए। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से अपनी बेटर फूल जाए। तब तक हम अपना पकौड़ा काट के तैयार कर लेंगे। चलिए हम पकौड़ा काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को पहले से छील के धो के रख लिया है। अब हम इसके पतले पतले स्लाइस काटेंगे। पकौड़े की स्लाइस जितनी पतली होगी उतना ही क्रिस्पी पकौड़ा तैयार होगा। तो आप या तो इसे चॉपर से काट लीजिए या प्रैक्टिस है तो चाकू से भी काटिए। एक बार देख लीजिए, एकदम पतली पतली स्लाइस है। तो ऐसे ही हम सभी पकौड़े काट लेंगे। हमने आलू को अच्छे से काट लिया है। बेटर में हम पकौड़े को डाल लेंगे। तो एक बार में आपको जितना पकौड़ा बनाना है उतना डाल लीजिए और चम्मच से उलट पलट के बेटर में इसे डिप कर लीजिए यानी कि इसमें अच्छे से बेटर लग जाना चाहिए। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। जब तक हमने पकौड़े को घोल में डाला तब तक इधर तेल भी अपनी गर्म हो चुकी है। अब हम एक एक पकौड़ा को अंगुली से निकालेंगे और इसका एक्स्ट्रा बेटर गिरा के और धीरे से तेल में छोड़ देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधानी से डालिए क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है। तो हम पकौड़ा को आराम आराम से छोड़ेंगे। एक बार में जितना पकौड़ा आ सके आप आराम से डालिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे उलट पलट के ब्राउन होने तक पकाएंगे। चलिए हम एक बार पकौड़ा को उलट लेते हैं। ध्यान से आप ऐसे पकौड़े को उलट लीजिए। ध्यान रहे एक साइड से अच्छे से पकने के बाद ही हमें उलटना है, नहीं तो बेटर इसका निकल जाता है। फिर ना पकौड़ा देखने में सुंदर लगता है ना खाने में मजा आता है। तो आप एक बार देखिए एक साइड से अच्छे से अपना पकौड़ा जो है सीख चुका है। अब हम दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेंक लेंगे यानी कि अपनी आलू पक जानी चाहिए, कलर भी ब्राउन होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए। सभी बातों को ध्यान में रख के हमें पकौड़े तलना है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने दोनों साइड से उलट पलट के
ब्राउन और क्रिस्पी होने तक पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे झड़ने की मदद से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल कड़ाही में ही गिरा देंगे और पकौड़े को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना आलू का पकौड़ा बनके तैयार हुआ है। चलिए हम बाकी के पकौड़े ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आलू का पकौड़ा बनाना कितना आसान है, बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।